दे विल गो टू बेड अर्ली. गो टू बेड का मतलब सोने जाना ही है. वो जल्दी सोने जाएंगे सिंस दे हैव टू गेट अप एट फाइव, क्योंकि उन्हें 6 बजे 5 बजे उठ जाना है सुबह. सर सुबह के लिए ऑन द मॉर्निंग नहीं है, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग. आपको मालूम होना चाहिए कि मॉर्निंग है, इवनिंग है और आफ्टरनून है. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन तीनों के पहले प्रेपोजिशन इन लगता है, साथ ही साथ दा भी लगता है. फिर ये स्ट्रक्चर बनते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. हाँ, अब जैसे एक वर्ड है डॉन, सुबह जब सूरज नहीं उगता है तो उसको डॉन बोलते हैं, भोर जिसको कहते हैं. नून होता है, ठीक, डस्क हो सकता है, नाइट हो सकता है और मिड नाइट हो सकता है. डॉन से याद आया कि पाकिस्तान में एक पेपर छपता है द डॉन, मुझे भी शुरू में लगता था शायद वो DON वाला डॉन है, लेकिन वो द डॉन ये वाला डॉन है. पेपर रात में तो छपते नहीं, सुबह ही तो आते हैं, तो डॉन का मतलब सुबह, तड़के. इन सब के पहले हमको क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है. क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है. हाँ, इन सब के ही पहले हम ऑन भी लगा सकते हैं, इनकी जगह और एट की जगह ऑन, लेकिन तब आपको ऐसे बताना होगा निश्चित सुबह शाम. जैसे कहा जाए शुक्रवार की शाम की बात है या शुक्रवार की शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट ऑन फ्राइडे, लेट्स मीट ऑन फ्राइडे, ऑन संडे मॉर्निंग जिसको कह सकते हैं, ठीक. या ऑन मंडे नाइट, ऐसे एट नाइट है, इस प्रकार से ऑन मंडे नाइट है.